हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड ज्यूडिशियरी चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको चाहे दुनिया के कितने भी टफेस्ट एग्जाम हो, चाहे एमपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे नॉर्मल एग्जाम हो इन डे टू डे लाइफ में, तो आपको क्या करना है वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहली चीज़ आपको देखनी है कि यू आर एलिजिबल फॉर एग्जाम और नॉट। आपका क्या क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देनी है। सेकेंड थिंग, आपको सारा सिलेबस डाउनलोड करना है, चाहे वो प्री का हो, मेन का हो, इंटरव्यू का हो। इंटरव्यू देयर इज नो सिलेबस, बट फिर भी आपको फर्स्ट और सेकेंड पेपर के लिए प्रिपरेशन, अगर तीन पेपर है तो आपको सारे पेपर के सिलेबस आपके हाथ में होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपके पास सारे क्वेश्चन बेंच होने चाहिए ताकि एग्जाम आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सके कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा नहीं। हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रिपीटेड की जाती है हर एक एग्जाम में, तो आपको वो चीज़ें देखनी है। और आपके पास सारे बुक्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप पढ़ाई कर सको। अगर ये चीज़ें, और लास्ट और नेक्स्ट थिंग, आपके पास एक टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही है तो यू कैन क्रैक एनी टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। थैंक यू।